हेलो एवरीवन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन से जो सर्विस बनेगा उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पहले फॉर्मूला देखते हैं और उसके बाद आपको न्यूमेरिकल में स्टार्ट करवाऊंगा। लेंथ वाइज सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने निकाली थी, उसके बाद हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इनक्लोज्ड वाले जो प्लेन एरिया, इनक्लोज्ड एरिया, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाली थी। इसके बाद सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है कि किसी एक सॉलिड की हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी होगी, लेकिन वो सॉलिड जो बना होगा वो किसी एक एरिया से रिवॉल्व होकर के बना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये एरिया है ए सी डी बी, इस एरिया को इस लाइन के अबाउट घुमा रहे हैं हम। जिस लाइन के अबाउट घुमा रहे, घुमाने का मतलब क्या है, ये फिक्स्ड हो गया, ये लाइन फिक्स्ड हो गई और ये जो सरफेस, ये जो सॉलिड है, सॉरी ये जो एरिया है, ये एरिया आगे भी आएगा ऐसे और इसी तरीके से पीछे जाएगा। जब ये पूरा एरिया इसके अबाउट घूमेगा तो एक सॉलिड बनेगा और वो जो सॉलिड बनेगा उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको निकालनी है, उसका फॉर्मूला हम देख रहे हैं अभी। तो अगर हम बात करें जो सॉलिड बनेगा वो सॉलिड किस प्लेन एरिया से बन रहा है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। और वो जिस लाइन के अबाउट घूम रहा है उस लाइन को एक्सिस बोलते हैं। तो यानी कि ये जो एक्स एक्सिस है इस सॉलिड का, जो जो सॉलिड बनेगा रिवॉल्यूशन के बाद, उस रिवॉल्यूशन का क्या है, एक्सिस है। तो एक्सिस हम निकाल सकते हैं, एक्सिस क्या है, जिस लाइन के अबाउट वो एरिया घूम रहा है। अब अगर हम बात करें, इसमें हम एलिमेंट्री पार्ट जो लेंगे वो एलिमेंट्री पार्ट हम लेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल। ये एलिमेंट्री पार्ट मैंने लिया। अब ये जो एलिमेंट्री पार्ट मैंने लिया है वैसे ही लिया है जैसे हम पहले के क्वेश्चंस में लेते हुए आ रहे हैं, नेमिंग हम उसी तरीके से कर लेते हैं। पी क्यू एम एन हम इसको मान लेते हैं, पी क्यू एम एन हमने मान लिया। और ये डेल एक्स हो जाएगा इसकी लेंथ और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स कॉमा वाई। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, जो इस एलिमेंट्री पार्ट की अगर हम बात करें, बस ये दिमाग में आपको ध्यान में रखना है कि हम सॉलिड की बात कर रहे हैं और सॉलिड के केस में अगर मैं जनरल फॉर्मूला एक्स बार का बात फॉर्मूले की बात करूं तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या था, एक्स डी एम जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, अपॉन डी एम। डी एम क्या था, सॉरी मास, उस एलिमेंट्री पार्ट का जो मास था वो डी एम था। तो ये जो एलिमेंट्री पार्ट, एलिमेंट्री जब ये पूरा एरिया इस लाइन के अबाउट घूमेगा तो एलिमेंट्री पार्ट भी घूमेगा। तो वो जो एलिमेंट्री पार्ट घूम करके पूरा सरफेस बनेगा, जो सॉलिड बनेगा, सिर्फ इतने को घुमाने के बाद, इतने को घुमाने के बाद जो सॉलिड बनेगा उस सॉलिड की, उस सॉलिड का हमको मास निकालना है। और मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हम मान लेते हैं रो है। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम आपको ध्यान से समझना है यहाँ पे। अगर हमको इस एलिमेंट्री पार्ट को घुमाना है, या मैं सीधे से बात करूं, अगर मुझे किसी सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसके बेस का एरिया निकाल लूंगा पहले और इसके बेस के एरिया को इसके हाइट से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका वॉल्यूम हमको मिल जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर हमको ये जो एलिमेंट्री पार्ट घूम रहा है, इस एलिमेंट्री पार्ट को घुमाने के बाद जो वॉल्यूम बन रहा है वो वॉल्यूम कैसे बनेगा, एक सिलेंड्रिकल शेप बनेगा। सिलेंड्रिकल शेप बनेगा, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। अब डायग्राम यहाँ पर फॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। जब ये घूमेगा तो एक कॉइन, कॉइन का जैसा शेप होता है वैसे सिलेंड्रिकल शेप बनेगा। तो इसका बेस का एरिया क्या होगा, बेस जो बनेगा इसका एक सर्कुलर बनेगा और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई। रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, जितनी हाइट है, वाई स्क्वायर। ये तो इसका बेस का एरिया हो गया। और हाइट कितनी होगी इसकी, हाइट होगी डेल एक्स। तो ये डीएम की वैल्यू होगी जो आपको यहाँ पे समझनी है। बस ये सबसे मेन कंसेप्ट है यहाँ पे। जब हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी लेंथ वाइज निकाली थी तो हमने यहाँ पे डेंसिटी इनटू लेंथ लिया था। जब हमने एरिया की बात करी थी तो हमने डेंसिटी इनटू एरिया लिया था। अब क्योंकि सॉलिड बन रहा था, सॉलिड का मास वॉल्यूम के टर्म्स में होगा तो रो इनटू उसका वॉल्यूम हो गया। और वॉल्यूम मैंने आपको बताया क्या होगा। अब इसको यहाँ अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो एक्स बार इक्वल टू कितना हो गया, एक्स रो पाई वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। पाई से पाई, सॉरी रो आएगा यहाँ पे भी, रो भी कैंसिल हो गया क्योंकि कॉन्स्टेंट डेंसिटी वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। एक्स बार इक्वल टू कितना हो गया, एक्स इंटू वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी एक्स।
ये हमारा एक्स बार का फॉर्मूला हो गया, किस केस में जब कोई भी सॉलिड की हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है और वो सॉलिड किसके पैरेलल है, उसमें जो एलिमेंट्री पार्ट है वो किसके पैरेलल है, वाई के पैरेलल है। अगर वाई बार हम निकालें तो वाई बार कितना हो जाएगा, वाई इंटू वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी एक्स। सबसे मेन है कि हमने मास कैसे निकाला इसका, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, जो एक्सेस है वो एक्स एक्सेस है। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स, मैंने वाई बार तो यहाँ पे निकाला, फॉर्मूले से निकाला, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी जो सॉलिड बन रहा है उसकी जो एक्सेस है, जिस लाइन के अबाउट वो घूम रहा है, उस लाइन में ही उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी, और उस लाइन में उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगी। तो इस केस में ये एरिया जो है किस लाइन के अबाउट घूम रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट, और एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो। इट मीन्स ये जो वाई बार आ रहा होगा, वाई बार कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी सॉलिड जिस एक्सिस के अबाउट वो रिवॉल्व होने के बाद बना हुआ है, उस एक्सिस में ही उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है, तो एक्स बार ये हो जाएगा, वाई बार ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर ये एरिया एलिमेंट्री पार्ट जो है इस तरीके से, और एलिमेंट्री पार्ट हमने ऐसे लिया हुआ है, तो इस केस में, और एक चीज़ और ध्यान रखना, लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है इसमें, ए से बी, वो लिमिट हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर एलिमेंट्री पार्ट एक्स के पैरेलल है तो उस केस में इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस एक्सिस में होगी, क्योंकि एक्सिस अब ये काम करेगी, और इस एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो, एक्स बार जीरो हो जाएगा, और वाई बार क्या हो जाएगा, वाई इंटू, अब इसका जो वॉल्यूम बनेगा वो क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे पाई वाई स्क्वायर बना था, यहाँ हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन इंटीग्रेशन रो पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, ये कैंसिल हो गया। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा जब एलिमेंट्री पार्ट एक्स के पैरेलल है, और ये फॉर्मूला हो जाएगा जब एलिमेंट्री पार्ट किस एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया फॉर्मूले का। अब फॉर्मूला हमने दोनों टाइप के फॉर्मूले देख लिए, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन है उसका पहला जो न्यूमेरिकल मैंने लिया हुआ है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस ए। हेमिस्फेयर जो है, उस हेमिस्फेयर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको निकालनी है, सॉलिड है। तो पहले डायग्राम फॉर्म करते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अब अगर हम हेमिस्फेयर की बात करें, सर्कल का मैंने क्वाड्रेंट लिया हुआ है, सर्कल का क्वाड्रेंट लिया हुआ है, यानी कि 1/4 सर्कल का लिया हुआ है। अब ये सर्कुलर डिस्क आप समझ लो जो क्वाड्रेंट की फॉर्म में है, ए बी। इस पूरे एरिया को, अगर इस पूरे एरिया को हम एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो क्या होगा, जो पूरा ये वाला पार्ट है ये ऐसे आएगा और फिर इसी तरीके से पीछे जाएगा, तो जो पूरा एक सरफेस बनेगा, जो पूरा एक सॉलिड बनेगा, वो किस तरीके से बनेगा, ये ऐसे आगे आएगा और ऐसे ही पीछे जाएगा। तो बन गया हेमिस्फेयर। ये हेमिस्फेयर बन जाएगा। तो ये हेमिस्फेयर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने की, ध्यान रखना है कि ये सॉलिड है, यानी कि पूरा फील्ड है, सॉलिड जो है पूरा बंद है। तो इस क्वाड्रेंट को अगर आप घुमाओगे एक्स एक्सिस के अबाउट, तो एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाने पे क्या होगा, जो पूरा सरफेस बनेगा वो सॉलिड बनेगा। तो आपको जितने सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन वाले क्वेश्चन करना है, उसमें देखना है कि वो सॉलिड किस एरिया को घुमा करके बना हुआ है। तो यहाँ पे ये जो हेमिस्फेयर है वो किस एरिया को घुमा के बना है, क्वाड्रेंट ऑफ डिस्क, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क को घुमाएंगे हम एक्स एक्सिस के अबाउट, तो आपको क्या मिलेगा, हेमिस्फेयर मिलेगा। तो अब हमको फोकस करना है सिर्फ इस एरिया पे, ओ ए बी जो क्वाड्रेंट वाला एरिया है, इस पे हमको फोकस करना है। एलिमेंट्री पार्ट वी में टेक पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, दोनों ले सकते हैं यहाँ पे हम। फिलहाल मैं इस तरीके से ले ले रहा हूँ एलिमेंट्री पार्ट, पी पी क्यू उसी तरीके से नेमिंग कर दे रहा हूँ, एम एन। ये डेल एक्स हमने ले लिया, पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई। आपको ये डॉटेड वाला डायग्राम आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अ सॉलिड हेमिस्फेयर कैन बी जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ
क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स बाउंडिंग रेडियस. इस क्वाड्रेंट की बाउंडिंग रेडियस क्या है, या तो OA है या OB है, किसी के अबाउट भी आप घुमाओगे, आप इस तरीके से भी घुमा सकते हो उसको, तब भी आपको हेमिस्फीयर मिलेगा. तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, अगर आप किसी सर्कुलर डिस्क को उसकी रेडियस, बाउंडिंग रेडियस के अबाउट घुमा रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, एक हेमिस्फीयर मिलेगा. अब इस हेमिस्फीयर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है. उसी तरीके से जो फॉर्मूला हमने भी लिखा था, इसका हमको जो इससे घूम करके जो वॉल्यूम बनेगा उसका मास निकालना है. और एक्स बार, अब इसमें हम बात करें एक्स बार और वाई बार, आप ध्यान से सोचिए, इसमें एक्स बार और वाई बार में से कोई एक जीरो होगा, और वो जीरो क्या होगा, अगर हम इसको एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसकी, वो एक्स एक्सिस में लाई करेगी, और अगर एक्स एक्सिस में लाई करेगी, तो वाई बार कितना हो जाएगा, जीरो. वाई बार निकालने की जरूरत नहीं है. एक्स बार का फॉर्मूला क्या था, एक्स डीएम, डीएम क्या था, रो डेंसिटी इंटू उसका बेस का एरिया, बेस का एरिया क्या था, पाई. रेडियस कितनी बन जाएगी इसकी, वाई स्क्वायर, और हाइट कितनी होगी, डीएक्स, ऐसे ही पाई वाई स्क्वायर डीएक्स. अगर आप फॉर्मूला भूल भी गए हैं, तो आप ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं, रो वाई और रो वाई कैंसिल हो गया, लिमिट एक्स की देखिए आप कहाँ से कहाँ जा रही है, एक्स जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ इस पे ये जो सर्कल हमने लिया हुआ है, इस सर्कल की इक्वेशन हम लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. तो इसके ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ए कॉमा जीरो. तो एक्स कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, जीरो से ए, यहाँ भी जीरो से ए. बस अब इसको इंटीग्रेट कर लेना है, हमको हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो इंटीग्रेशन देखिए, एक्स बार जीरो टू ए, एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और अपॉन में क्या हो जाएगा, जीरो टू ए वाई स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टी एक्स. एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर उसका इंटीग्रेशन होगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और ये एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, एक्स फोर अपॉन फोर जीरो टू ए, और इसी तरीके से ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री जीरो टू ए. लिमिट लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, ए फोर अपॉन टू माइनस ए फोर अपॉन फोर अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन थ्री, इसका एलसीएम आ जाएगा फोर, और यहाँ टू माइनस वन वन हो जाएगा, ए फोर अपॉन फोर, और ये हो जाएगा टू ए क्यूब अपॉन थ्री. तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए फोर अपॉन फोर इंटू थ्री बाई टू ए क्यूब, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो थ्री बाई एट ए. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो ये सॉलिड स्फीयर बनेगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया थ्री ए अपॉन एट, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो. तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमने निकाली हेमिस्फीयर की. अगर आप क्वेश्चन का डायग्राम जो है उसको वाई एक्सिस के अबाउट घुमाते हो, आपको क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा, जब सॉल्यूशन आप करेंगे तो उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि आप किसके अबाउट घुमा रहे हो. अगर एक्स के अबाउट घुमा रहे हो तो वाई बार जीरो होगा, अगर आप ऐसा डायग्राम ने लेकर के इस तरीके से घुमा रहे हो, तो उस केस में एक्स बार की वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी, जीरो लेनी पड़ेगी. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करना पड़ेगा. अगला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस ए कट ऑफ बाय अ प्लेन एट अ डिस्टेंस एच फ्रॉम द सेंटर. डायग्राम फॉर्म करते हैं पहले. आपको एक स्फीयर का एक पोर्शन ऐसा लेना है, एक ऐसा सेगमेंट लेना है जो एक प्लेन से कट है. एक पूरा स्फीयर हमने लिया, इस स्फीयर को एच डिस्टेंस पे एक प्लेन से कट कर दिया, तो स्फीयर कितना बचा होगा, अब इतना स्फीयर बचा होगा, ये डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पे, ए कॉमा जीरो, क्योंकि रेडियस उसकी ए है. पूरा स्फेयर पहले रहा होगा, और उस पूरे स्फेयर को आपने कट कर दिया एक प्लेन से जो एच डिस्टेंस पे इसको कट कर रहा है, तो ये वाला पोर्शन हमने स्फेयर का हटा दिया. अब इतने की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको निकालनी है. एलिमेंट्री पार्ट किसके पैरेलल,
वाई के पैरेलल इसी तरीके से लेना पड़ेगा, पी क्यू एम एन डेल एक्स, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई। आप देखिए ये जो स्फेयर का इतना सेगमेंट बनेगा वो इतने एरिया को अगर हम एक्स के अबाउट घुमाएंगे तो ये सरफेस बन जाएगा, वो सॉलिड बन जाएगा। तो आपको वही देखना है कि वो सॉलिड किस एरिया से घूम करके बन रहा है। तो इतने पोर्शन को अगर हम घुमाएंगे तो ये जो स्फेयर का इतना सेगमेंट है ये बन जाएगा। अब हमको इतने पोर्शन पे ही फोकस करना है क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। तो आपको मैंने बताया कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसी लाइन में लाया करेगी, तो वाई बार तो सीधा सीधा जीरो हो गया। एक्स बार निकालना है, एक्स बार क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स। अब मैं पाई और रो नहीं लिख रहा हूँ, वो पहले बता चुका हूँ, सीधे कैंसिल हो जाएंगे। वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वेशन इसकी अभी भी वही रहेगी, जो इतना सर्कल ये बन रहा है, सर्कल की इक्वेशन क्या रही होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी सर्कल अगर हम लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और इस सर्कल का हम अगर इतने पोर्शन की इक्वेशन की भी बात करेंगे तब भी इतनी रहेगी, इक्वेशन चेंज नहीं होती है। आप चाहे कितना भी पोर्शन उसका लेते हैं तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये तो बात हो गई इक्वेशन की, लिमिट देखिए, लिमिट किसकी, एक्स की। अब एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक। तो एक्स इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जा रहा है, यहाँ पे एक्स कितना है, एच, और कहाँ तक जा रहा है, ए तक। तो एच से ए, बस सिंप्लीफाई कर लेना, एच टू ए। एक्स वाई स्क्वायर की जगह पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एच टू ए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका, एक्स बार कितना हो जाएगा, एक्स अंदर मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री, लिमिट है एच टू ए अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री, लिमिट है एच टू ए। तो लिमिट रख लेते हैं, एक्स बार कितना हो जाएगा, ये हो गया ए फोर एक्स क्यूब अपॉन थ्री, नहीं होगा एक्स फोर अपॉन फोर होगा, क्योंकि एक एक्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, तो एक्स फोर अपॉन फोर होगा, जैसे पहले क्वेश्चन में हुआ था, ए फोर अपॉन टू माइनस ए फोर अपॉन फोर। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस एच फोर अपॉन टू, और माइनस माइनस प्लस एच फोर अपॉन फोर अपॉन ए क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन थ्री माइनस, ये लिमिट मैंने यहाँ पे गलत रख दी है, आपको सिर्फ एक्स की जगह पर लिमिट रखनी है, ए स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन टू प्लस एच फोर अपॉन फोर। ये तो हायर लिमिट हो गई इसकी, यहाँ लोअर लिमिट में क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर एच प्लस एच क्यूब अपॉन थ्री। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है आपको, सिंप्लीफाई करना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जैसे मैं पहले क्वेश्चंस में भी सिंप्लीफिकेशन छोड़ दे रहा हूँ, मैं सीधे एक्स बार की वैल्यू रख दे रहा हूँ, एलसीएम लेकर के आप इसको सिंप्लीफाई करिए। ये आ रहा है 3/4 ए प्लस एच होल स्क्वायर अपॉन 2a+h, ये इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट हमको पता है कितना हो जाएगा, जीरो। तो आज हमने सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशंस के क्वेश्चन मैंने करा दिए, आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो जितने भी आपको मिलते हैं उनको सॉल्व करते रहें।